हर हर महादेव। नमस्कार, कलयुग प्रथम चरण में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, इस जीवन में पारिवारिक संघर्ष भी झेलना पड़ता है। परिवार में कुछ सदस्य हैं तो तरह तरह की परेशानियां भी खड़ी होती है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, या घर के अन्य कोई सदस्य हो। इन सब सदस्यों में घर में तालमेल नहीं बन पाता है। जितने व्यक्ति हैं उतने विचार के, उतने स्वभाव के, किसी से किसी का तालमेल नहीं बनता है, जिसके वजह से घर में कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है मित्रों, कि अपने घर में ही, अपने घर के लोगों से घर में कलह उत्पन्न होने लगती है। तो साथियों, अगर ऐसी परिस्थिति है कि घर में किसी से किसी का तालमेल न हो, तो आप इस उपाय को करें। मित्रों, एक बार ही कर देने से आपके घर में सुख शांति, कलह कलेश दूर भाग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएंगे, जितने सदस्य हैं सब का तालमेल एक हो जाएगा। लेकिन आपको इस उपाय को महीने में दो बार करना होगा। इसी तरह से दो तीन महीना कर दें, घर में सुख शांति छा जाएगा। तो मित्रों, आपको क्या करना है, कबूतर का बीट लाना होगा। तो मित्रों, कबूतर आप देख लें, और मित्रों कुछ लोग कहेंगे बीट क्या होता है। मित्रों, जो कबूतर दाना खा के मल त्याग करता है उसी को बीट बोलते हैं। तो आपको कहीं से कबूतर का बीट किसी भी दिन को लाएं और लाकर सुखा लें, और सुखा कर उसको छोटा छोटा ऐसे मसल के दरदरा चूर्ण बना लें। अब मित्रों, रविवार के दिन आपको चाहे लकड़ी का कोयला हो या गोबर की सुखाया हुआ, जिसे कंडी बोलते हैं, उसको आग को जला लीजिए। जब आग जल जाए, पूरा इसका धुआं निकल जाए, तो एक मिट्टी के बर्तन में उस आग को रखिए, और जो कबूतर का बीट है मित्रों, उस पर धूप जैसा ऊपर से गिरावें, ताकि यह जले। जब जलेगा तो उसमें से धुआं निकलेगा, पूरे घर में मित्रों, कोने कोने सब जगह इस धुआं को दिखा दें। मित्रों, पहले दिन से ही आपको काफी फायदे नजर आएंगे। इस तरह से मित्रों, आपको महीने में दो बार कर देना है, और इसी तरह से दो तीन महीना कर घर से सभी तरह के कलह कलेश, लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाएंगे, और सबका तालमेल सबसे बनने लगेगा। तो मित्रों, यह एक छोटा सा उपाय घर को कर दे खुशहाल, और जितने परिवार में व्यक्ति हैं सब एक हो जाएंगे।
मित्रों आप करके देखें। मित्रों जब घर में सुख शांति होती है तो धन आते हैं तो उसका बरकत मिलता है, और जिस घर में तालमेल न हो, लड़ाई झगड़ा होते हो, कलह कलेश हो, उस घर में धन का कोई बरकत नहीं मिलता है। तो मित्रों यह एक छोटा सा उपाय आप करके सभी व्यक्तियों को एक रास्ते पर ला सकते हैं। तो मित्रों वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।